हेलो, आई एम नीरज गुप्ता फ्रॉम नेटवर्क हब। आज मैं आपको ट्यूटोरियल देने वाला हूँ लैन केबलिंग के ऊपर। लैन केबल अपने यूज़ करते हैं एक नेटवर्क को क्रिएट करने में, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने में। सो लैन केबलिंग दो तरीके की होती है। एक केबल का बोलते हैं अपने स्ट्रेट केबल एंड अनदर वन इज़ क्रॉस ओवर केबल। स्ट्रेट केबल का यूज़ होता है टू कनेक्ट टू डिफरेंट डिवाइसेस, जैसे कि अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ पीसी को स्विच से, या फिर मेरे को स्विच को राउटर से कनेक्ट करना है तो मैं यूज़ करूँगा स्ट्रेट केबल। इसमें ट्रांसमिटिंग पिन्स होते हैं 1 और 2 एंड रिसीविंग पिन्स होते हैं 3 और 6। अगर हम बात करते हैं क्रॉसओवर केबल की, क्रॉसओवर केबल यूज़ होता है कनेक्ट करने के लिए दो सेम डिवाइसेस को। जैसे कि अगर मेरे को दो पीसी के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना है, या फिर मेरे को दो पीसी में लैन गेमिंग खेलना है, देन आई विल बी यूजिंग क्रॉसओवर केबल। या फिर मेरे को दो स्विच आपस में कनेक्ट करने हैं, देन मैं क्रॉसओवर केबल का यूज़ कर सकता हूँ। अगेन इसमें भी ट्रांसमिटिंग पिन्स होते हैं 1 और 2 एंड रिसीविंग पिन्स होते हैं 3 और 4। अब बात करते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल की, कैसे बनाई जाती है स्ट्रेट थ्रू केबल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कलर कोडिंग का यूज़ किया हुआ है, अलग अलग कलर्स का। बेसिकली इसमें होता क्या है कि चार कलर्स के पेयर होते हैं हमारे पास। एक होता है ऑरेंज, एक होता है ग्रीन, एक होता है ब्लू और एक होता है ब्राउन। ऑरेंज कलर का पेयर होता है ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन का पेयर होता है ग्रीन वाइट ग्रीन, ब्लू का पेयर होता है ब्लू ब्लू वाइट एंड ब्राउन का पेयर होता है ब्राउन ब्राउन वाइट। मार्केट में आप जहाँ से भी कहीं से भी केबल लेते हैं, मोस्टली हर जगह पे कलर यही मिलेंगे। हो सकता है कि ऑरेंज के बदले रेड हो, ब्राउन के बदले हल्का सा कलर लाइट हो, बट कलर कोडिंग सेम यूज़ करते हैं। कलर कोडिंग का यूज़ हम इसलिए करते हैं जिससे कि सपोज़ आज मैं काम कर रहा हूँ, कहीं जॉब कर रहा हूँ किसी कंपनी में, वहाँ पे मैं कलर कोडिंग अपने मन से ले लेता हूँ और सारी वायरिंग अंडरग्राउंड हो रखी है, तो अगर मैं वहाँ से चेंज भी करता हूँ, मेरे बाद जो वहाँ पे एम्प्लॉई आता है वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सी कलर कोडिंग हो रखी है। इसलिए सिस्को ने ये ट्रेडमार्क सेट किया और उन्होंने दो कलर कोडिंग के स्टैंडर्ड्स निकाले, दैट इज़ T568A एंड T568B। ये दो स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर मैं स्ट्रेट थ्रू केबल बनानी है तो मैं दोनों साइड T568A यूज़ करूँगा, या फिर मैं दोनों तरफ T568B यूज़ करूँगा। ऐसा करने से मैं स्ट्रेट केबल बना सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे वायर का एक एंड पे फर्स्ट जो वायर मैं लूँगा वो होगी ऑरेंज वाइट, सेकेंड वन विल बी ऑरेंज, देन ग्रीन वाइट ब्लू ब्लू वाइट ग्रीन ब्राउन ब्राउन वाइट। सेम कलर कोडिंग मैं लूँगा दूसरी साइड पे। स्ट्रेट थ्रू केबल में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने जैसा आपको पहले बताया था, पिन 1 पिन 2 ट्रांसमिटिंग के लिए यूज़ होता है एंड पिन 3 एंड पिन 6 ये रिसीविंग के लिए यूज़ होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रेट केबल में दोनों एंड पे सेम होता है और ये क्रॉस ओवर में चेंज होता है, जो कि मैं आपको अगली शीट में बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है क्रॉस ओवर केबलिंग। इसके अंदर भी अगेन जैसा मैंने आपको बताया था, सिस्को के दो स्टैंडर्ड होते हैं T568A एंड T568B। अगर मेरे को क्रॉस ओवर केबल बनानी है तो मेरे को एक एंड पे T568A के अकॉर्डिंग क्रॉस केबलिंग करना पड़ेगा एंड अदर साइड मेरे को T568B के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जैसे कि ऑरेंज वाइट इस वाले कलर कोडिंग स्कीम को हम बोलते हैं T568B और ग्रीन वाइट ग्रीन वाली कोडिंग को हम बोलते हैं T568A। ऑलराइट, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक साइड T568B की कोडिंग की हुई है, जैसे कि ऑरेंज वाइट ऑरेंज ग्रीन वाइट ब्लू ब्लू वाइट ग्रीन ब्राउन वाइट ब्राउन ब्राउन वाइट, और दूसरी साइड मैंने T568A की कोडिंग की हुई है जो कि है ग्रीन वाइट ग्रीन ऑरेंज वाइट ब्लू ब्लू वाइट ऑरेंज ब्राउन ब्राउन वाइट। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ब्राउन ब्राउन वाइट दोनों साइड कॉमन है और ब्लू ब्लू वाइट दोनों साइड कॉमन है। इनका एक्चुअली होता क्या है, इन दोनों पेयर्स का यूज़ नहीं करते हैं हम। ऑलराइट, जो मेन हमारा डेटा ट्रांसफ़र वो होता है ऑरेंज वाइट से एंड ग्रीन ग्रीन वाइट से। ऑलराइट, और जैसे कि आप देख सकते हैं क्रॉस ओवर में जो पिन्स का जो ट्रांजेक्शन होता है वो क्या होता है, हमारी पिन 1 चली जाती है पिन 3 पे अदर साइड,
पिन टू चली जाती है पिन सिक्स पे, पिन थ्री चली जाती है पिन वन पे, पिन सिक्स चली जाती है पिन थ्री टू पे। तो इसके थ्रू हमारा क्रॉसओवर केबल बनता है। सो दैट्स इट फॉर लैन केबलिंग राइट नाउ। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू मेक लैन केबल। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह हम RJ45 जैक को यूज़ करके, लैन केबल को यूज़ करके एंड क्रैम्पिंग टूल को यूज़ करके हम किस तरीके से अपनी खुद की लैन केबल बना सकते हैं, स्ट्रेट केबल भी बना सकते हैं हम और क्रॉस ओवर केबल भी, और अपने इनको चेक भी करेंगे कि हमने जो केबल बनाई वो करेक्टली वर्क कर रही है या नहीं। और उसके बाद वाली वीडियो में हम बनाएंगे आईओ जैक कैसे अपने को अटैच करना होता है अगर हमें इंटरनल फिटिंग करनी है लैन वायर्स की। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।